महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध था जो धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुआ था। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत के युद्ध में शामिल होने वाले प्रत्येक पात्र किसी न किसी परम पुरुष के अवतार थे। जितने भी प्रमुख पात्र थे वे सभी किसी न किसी देवता, गंधर्व, रुद्र, यक्ष, वसु, अप्सरा, राक्षस और ऋषियों के अंश अवतार थे। जैसे भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार, पांच पांडव अलग अलग देवताओं से निर्मित थे और भीष्म के रूप में दयु नामक वसु और द्रोणाचार्य के रूप में बृहस्पति थे। ठीक इसी प्रकार अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश के रूप में जाना जाता है। अश्वत्थामा का जन्म अमरता के वरदान और एक मणि के साथ हुआ, लेकिन फिर उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि ये वरदान श्राप में बदल गया और आज तक वो दर दर भटक रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। अश्वत्थामा की कथा और उनके रहस्यों के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऋषि भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य और कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। गुरु द्रोणाचार्य ने और माता कृपी ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति और तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद माता कृपी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया और बालक ने जन्मते ही रोने की आवाज के साथ घोर हिनहिनाने की आवाज की, जिससे उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि था जिसने अश्वत्थामा को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया था और भगवान शिव के अंश अवतार होने के कारण उन्हें अमरता का वरदान भी था। अश्वत्थामा को सात चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। अश्वत्थामा की गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी और वो ऋषि भारद्वाज के पुत्र गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। गुरु द्रोणाचार्य ने ही कौरव और पांडवों को शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया था। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। पांडव सेना को हतोत्साहित देख श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा और इस योजना के तहत ही युद्ध भूमि में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। और जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाही तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया और धीमे से बोला, नर नहीं हाथी। और अंतिम पंक्ति ना सुन पाने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने पुत्र मोह में हतोत्साहित होकर शस्त्र त्याग कर युद्ध भूमि में बैठ गए और इसी अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु से अश्वत्थामा विचलित हो गए और अत्यधिक क्रोध में उन्होंने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का और धृष्टद्युम्न का सोते में वध कर दिया। और जब कृष्ण और जब पुत्र शोक में विचलित अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध होता है तो अश्वत्थामा अपने बचाव में नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हैं तो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। इस पृथ्वी और सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए ऋषि व्यास हस्तक्षेप करते हैं और अपने अस्त्र वापस लेने के लिए कहते हैं। अर्जुन तो अपना अस्त्र वापस ले लेते हैं लेकिन अश्वत्थामा को अस्त्र वापस लेने का ज्ञान ही नहीं होता है।
तो वो अपने अस्त्र की दिशा पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की ओर कर देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा के लिए दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकाल कर उन्हें तेजहीन कर देते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि जीवन तो तुमने देखा है लेकिन मृत्यु नहीं देखोगे और तुम्हारे माथे से घाव इसी प्रकार रिश्ता रहेगा और तुम युगों युगों तक भटकते रहोगे। और ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण के इस श्राप के कारण ही महादेव का यह अंश अवतार आज भी जीवित है। मान्यता के अनुसार मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के ग्वारी घाट के किनारे अश्वत्थामा भटकते रहते हैं और ऐसी बहुत कथाएं भी मिलती हैं। इसके अलावा असीरगढ़ के किले में भी उनके भटकने की जानकारी मिलती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें।